हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम गणित कक्षा 9 डॉक्टर मनोहर की बुक है जिसमें अध्याय 4 है दो चर वाले रैखिक समीकरण का प्रश्नावली 4 का क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आइए प्रश्न को लेकर चलते हैं आगे। तो दिया है, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन से समीकरण एक्स माइनस दो वाई बराबर 4 के हल हैं और कौन कौन से हल नहीं हैं। तो पहला हम अगर ले लेते हैं, इसमें हम x का मान है ये y का मान, पहला मान हमेशा x का होता है दूसरा y का, तो x और y का मान रखेंगे, लेफ्ट और राइट बराबर आना चाहिए। तो हल में नंबर 1 मिल जाएगा हमें, यानी दे दिया गया है समीकरण हमारा। तो समीकरण क्या है, x माइनस दो वाई बराबर हमारा 4 है। पहला हमारा हल 0 और 2 है, तो x का मान पहला होता है, y का मान दूसरा। यहाँ हम x के स्थान पर 0 रखेंगे, 2 गुणे y के स्थान पर 2 रखेंगे, और ये -4 आना चाहिए, यानी सॉरी 4 आना चाहिए। तो 2 दूनी 4 -4 आ गया, और -4 4 के बराबर नहीं है, इसका मतलब कि नंबर 1 वाला हल नहीं है, ये नंबर 1 हो गया। अब नंबर 2 में आ जाएंगे, तो 2 हमारा दिया गया है, समीकरण हमारा वही रहेगा, x माइनस दो वाई बराबर 4, इसमें हम 2 और 0 रखेंगे, तो x का मान 2 और y का मान 0, तो 2 माइनस 2 गुणे 0, और ये बराबर 2 दूनी 4 आना चाहिए। तो ये बना 2 माइनस 0 का गुणा 2 में करेंगे 0 आएगा, 4 आना चाहिए, तो 2 में से 0 घटाएंगे 2 आएगा, 2 4 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये भी हल नहीं है। तो हल नहीं है। आगे आ जाएंगे नंबर 3, 3 वाले को चेक करेंगे, तो नंबर 3 क्या दिया गया है हमारा, 4 और 0 है। अब इसमें x का मान 4 रखेंगे, तो माइनस 2 गुणे 0 होगा, बराबर 4 आना चाहिए, और यहाँ 4 मिल गया, 2 का गुणा 0 में 0 मिला, और बराबर 4। तो हम देखेंगे 4 में से 0 घटाएंगे, 4 बराबर 4 आ गया, इसका मतलब ये हल है। ये हमें नंबर 3 वाला जो दिया गया है वह समीकरण का हल है। अब आगे आ जाएंगे नंबर 4 ले लेंगे, तो नंबर 4 में क्या दिया है, कर्णी में 2 दे दिया है, और 4 कर्णी में 2 है, मान इसी में रखना है, तो x का मान हम लिखेंगे कर्णी में 2, माइनस 2 गुणे 4 कर्णी में 2 बराबर 4 आना चाहिए। तो ये कर्णी में 2 मिला, ये बन गया 4 दूनी 8 कर्णी में 2 बराबर 4 आना चाहिए। इसमें से इसको घटाएंगे क्योंकि माइनस ज़्यादा है, यहाँ 8 है, यहाँ 1 है, 8 में से 1 घटेगा, तो 7 कर्णी में 2 बच जाएगा, और ये हमारा 4 के बराबर देख रहे नहीं है, इसका मतलब ये हमारा हल नहीं है। तो हमें क्या मिला, पहला मिल गया हल नहीं है, दूसरा भी मिला हमें हल नहीं है, तीसरा हमें मिल गया हल है, चौथा मिला हमें हल नहीं है, एक और बचा हुआ है, एक और एक। अब इस मान को रख करके हम चेक करेंगे इसका हल है कि नहीं है। तो हमारा 5 नंबर दे दिया गया है, समीकरण वही होगा, x माइनस दो वाई बराबर 4, एक एक रखेंगे, तो एक एक का मतलब x का मान 1 और y का मान 1 है, तो यहाँ 1 हो गया, माइनस 2 गुणे 1 हो गया बराबर 4, तो ये बना 1 माइनस 2 1 का 2 बराबर 4, और 2 में से 1 घटेगा तो माइनस 1 आएगा, तो माइनस 1 हमारा 4 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये भी हमारा हल नहीं है। तो ये भी हमें मिलेगा हल नहीं है, तो ये भी हमारा हल नहीं है। तो हमें एक हल मिला केवल चौथा, और यही पूछा था हमारा कौन कौन से हल हैं और कौन कौन से हल नहीं हैं। तो पहला हल नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा हल है, चौथा हल नहीं है, और पांचवा भी हमारा हल समीकरण का नहीं है। आगे हम आ जाते हैं, नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 है। क्या दिया है हमारा कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1, समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का हल है। इसका मतलब है अगर हल होगा तो लेफ्ट और राइट बराबर आएगा। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे, तो यहाँ हमें मिल जाएगा हल में हम क्या पाएंगे, दिया गया है हमारा समीकरण 2x है प्लस 3y है बराबर k है,
x बराबर 2 और y बराबर हमें 1 मिला हुआ है। तो x के स्थान पर 2 रखेंगे तो 2 गुणे x, x का मान 2 है, 3 गुणे y, y का मान यहाँ से 1 मिला और ये बराबर हमारा k है, तो 2 दूनी 4 हो गया, 3 का गुणा 1 में 3 इक्का 3 हो गया, बराबर k मिला। तो k बराबर 4 और 3 जोड़ेंगे 7 आएगा और यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये था प्रश्न संख्या 6 जिसमें k बराबर हमें 7 मिला। नेक्स्ट आ जाएंगे हम, नेक्स्ट हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7, कराए समीकरण 7x माइनस 3y बराबर 15 में y के पदों में x में व्यक्त कीजिए, माने y के पदों में x का मान निकालना है अर्थात x बराबर हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ आ जाएंगे हम, लिखेंगे हल, x को एक तरफ बाकी सब को एक तरफ कर देंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा यानी y का मान x के पदों में। तो कह रहा है y के पदों में x में व्यक्त कीजिए, इसका मतलब x का मान हमें निकालना है। तो हल आएगा, हल में हमें क्या मिलेगा, 7x माइनस 3y बराबर 15 है। चूँकि कह रहा है कि x का मान निकालना है तो x को हम यहीं रोक के रखेंगे, तो ये माइनस है दूसरी तरफ जाएगा प्लस होगा, तो 15 प्लस 3y बनेगा। अब हमें x का मान निकालना है तो 7 का गुणा है x में भाग बन जाएगा, तो 15 प्लस 3y बटे 7 हो जाएगा और यही हमारा एक आंसर बन जाएगा। दूसरा कह रहा है कि अगर y का मान -5 हो तब x का मान ज्ञात कीजिए। अब इसी में हम y बराबर -5 रखेंगे तो हमें x बराबर मिलेगा 15 प्लस 3 गुणे -5 और बटे 7 मिल जाएगा। तो ये 15 बचा रहेगा और पंक्तियाँ ही 15 प्लस माइनस माइनस होगा और बटे हमारा 7 मिल जाएगा। चूँकि प्लस का गुणा माइनस के साथ करेंगे माइनस आएगा, 3 का गुणा 5 के साथ 3 बचे 15 होगा, 15 में से 15 घटा देंगे तो 0 बटे 7 और 0 में चाहे जिसका गुणा या भाग दिया जाएगा उसका मान 0 आएगा। हमारा आंसर यानी x बराबर क्या मिल गया, 0 मिल गया, ये दूसरा हमारा आंसर होगा। तो दो मान हमसे पूछा गया था, एक x का मान y के पदों में और दूसरा y का मान दिया था और x का मान हमें ज्ञात करना था। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं। तो 8 में क्या दिया गया है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1 तथा -3 4 समीकरण 3x प्लस y बराबर 7 के हल हैं। अगर हल है तो दोनों मान समीकरण को संतुष्ट करने चाहिए, यानी x का मान 1 और y का मान हम 1 रखेंगे और हमारा लेफ्ट और राइट बराबर आना चाहिए। तो हम आएंगे हल, हल में क्या मिलेगा, हमें समीकरण दिया है 3x प्लस y बराबर 7। अब पहला मान हम 1 और 1 लेंगे तो x का मान 1 y का मान 1 है, तो यहाँ रखेंगे 3 गुणे 1 प्लस y का मान 1 और ये बराबर हमें 7 मिल गया। 3 का 3 प्लस 1 बराबर 7 मिला, 3 एक 4 हो गया और ये बराबर 7 हो गया। तो हमने देखा 4 और 7 बराबर नहीं है, इसका मतलब इसका हल नहीं है। लेकिन इसने कहा था सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1 तथा -3 4 समीकरण इसके हल हैं। तो यहाँ कुछ मिसप्रिंट है, अगर हम बात करें तो यहाँ अगर 4 हो जाएगा तब तो इसका हल बन जाएगा। यहाँ हम 4 लिख देंगे तो 3 गुणे 1 होगा, वाई का मान 4 लिखेंगे तो 3 इक्का 3 प्लस 4 और दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा यहाँ 7 होगा, 7 बराबर 7 आ गया, इसका मतलब इसका हल है। तो यहाँ 1 और 4 होना चाहिए था। नेक्स्ट आ जाएंगे नंबर 2 वाला मान रखेंगे तो 3x प्लस वाई ये बराबर 7 और यहाँ मान -3 और 4 दिया गया है, तो यहाँ रखेंगे 3 गुणे -3, फिर आगे आ जाएंगे प्लस 4 रखेंगे तो ये 7 आना चाहिए था, 3 त्रिक्का 9 हो गया, -9 मिला और प्लस 4 आ गया तो ये बराबर 7, घटा देंगे तो -5 बराबर 7, ये भी मान हमारा समीकरण का हल नहीं है। इसका मतलब है कि ये भी हमारा कहीं मिसप्रिंट है, तो इस सवाल में कहीं मिसप्रिंट दिया गया है। तो आगे हम आ जाएंगे, इसके नीचे के प्रश्नों को नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।